वहीं पश्चिमी हवाओं ने मॉनसून का रास्ता रोक लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जल्द ही गति पकड़ सकता है दक्षिणी मॉनसून। कई राज्यों में मॉनसूनी बारिश हो भी रही है। देश में अब तक 9% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में भी जल्द ही जो मॉनसून है दस्तक देने वाला है पश्चिमी हवाओं ने, लेकिन मॉनसून का रास्ता रोक लिया है। दक्षिणी पूर्वी मॉनसून जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रहा है। पश्चिम से आने वाली हवाओं ने मौसम को दो तरह से प्रभावित कर रखा है। पहला है उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और दूसरा मॉनसून के रास्ते को भी रोक रखा है। बंगाल की खाड़ी में 2 हफ्ते पहले उठे रेमल चक्रवात से मॉनसून को जो रफ्तार मिली थी वो अब लगभग थम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून के बाद मॉनसून आगे नहीं बढ़ा, जहां था वहीं पर स्थिर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अनुकूल स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। 4 से 5 दिनों में मॉनसून फिर से अपनी रफ्तार पकड़ सकता है। भारत में जून से सितंबर के बीच मॉनसून की 2 शाखाएं सक्रिय हो जाती हैं। एक शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है और दूसरी अरब सागर की ओर से प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा अभी बेहद कमजोर है, लेकिन पश्चिमी शाखा सक्रिय है। इसके चलते गुजरात, राजस्थान के कुछ इलाकों में और साथ साथ दक्षिणी राज्यों में अच्छी मॉनसूनी बारिश इस वक्त हो रही है। पूर्वी शाखा सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसके सुस्त पड़ जाने से देश की औसत वर्षा पर भी व्यापक असर पड़ रहा है। तो मॉनसून हालांकि अभी स्थिर हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ सकता है। 4 से 5 दिनों में मॉनसून की गति बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल पश्चिमी हवाओं ने मॉनसून का रास्ता रोक रखा है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी मॉनसून बहुत जल्द रफ्तार पकड़ने वाला है। कई राज्यों में इस वक्त मॉनसूनी बारिश हो रही है, लेकिन देश भर में अभी तक 9% कम बारिश का भी आंकड़ा सामने आ रहा है। पश्चिमी हवाओं ने फिलहाल मॉनसून का रास्ता प्रभावित किया है। दिल्ली NCR में खासतौर से लगातार प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो 4 से 5 दिन का भी इंतजार और करना होगा कम से कम राहत मिलने के लिए।